श्रीमती रजनी भारद्वाज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज 29 तारीख शाम 4 बजे वार्ड 56 में वितरण किए जाएंगे कंबल एवं साड़ी, जिसमें मुख्य रूप से गोविंद गोयल जी, विभा पटेल जी, बहादुर भारद्वाज जी, आकाश खरे, संजय ठुमाने जी, रियाज एवं श्री वरिष्ठ समाज से भी उपस्थित रहेंगे। हेडलाइन 24 से संतोष योगी। आज हम वार्ड 56 में खड़े हुए हैं, जहां पर पूर्ण रूप से श्रीमती रजनी भारद्वाज की जन्मदिन की तैयारी जोरों पे चल रही है। कोरोना काल का समय है, समाज सेवा का समय है, सारे मध्यम वर्गीय परिवार परेशान है, आर्थिक स्थिति है, ऊपर से ठंड की मार। ठंड से बचने के लिए रजनी भारद्वाज जी द्वारा अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में फिजूल खर्ची ना करते हुए उन्होंने यह संकल्प लिया क्यों ना मैं गरीब लोगों की मदद करूं, गरीब लोगों को कंबल एवं साड़ियां वितरण करूं ताकि उनके काम में आए। ऐसी सोच रखने वाली महिला का आज जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। हम आपको बताना चाह रहे तमाम तैयारियां हैं, जो कितने सारे कंबल हैं, ऐसी अनगिनत साड़ियां भी इन्होंने बुला रखी है। 3-4 बजे यहाँ पर यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जहाँ पर हजारों संख्या में महिलाएँ उपस्थित होगी, उन्हें साड़ी एवं कंबल वितरण किया जाएगा। हम बात आज जन्मदिन की नहीं कर रहे, इससे पूर्व में जब कोरोना का कहर चल रहा था, पूरा देश परेशान था, उस समय में भी श्रीमती रजनी भारद्वाज जी ने समाज सेवा का वो परिचय दिया जो वास्तव में एक काबिले तारीफ है। उन लोगों तक भोजन पहुंचाया जिन्हें भोजन के वास्तव में जरूरत थी, उन बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जिन्हें दूध की जरूरत थी, उन बच्चों को खिलौना उपलब्ध कराया जिन्हें खिलौने की जरूरत थी। उस समय ना तो हमारे देश में खिलौने मिल रहे थे, ना दूध मिल रही थी, ना खाने की वस्तु मिल रही थी, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, दुकानें बंद थी, मार्केट बंद थे, बच्चे खिलौने तरस रहे थे, लेकिन उन मासूम बच्चों की मुस्कुराहट बरकरार रहे, इसलिए रजनी भारद्वाज जी ने इतना महत्वपूर्ण कदम उठाकर उन बच्चों को खिलौने पहुंचाए जो आज खुशी और किलकारी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। आज हम बात कर रहे हैं उनके पतिदेव श्री बहादुर भैया से, जो उनके साथ इस समाज सेवा काम में कदम से कदम मिलाकर लगातार चल रहे हैं और आज भव आयोजन करके वो एक बार फिर साबित करना चाह रहे हैं कि जन सेवा सबसे बड़ी सेवा है, वही प्रभु सेवा है। मैं ना तो नेता हूँ, ना मैं कोई राजनीति करना चाहता हूँ, मैं तो उन मध्यम वर्ग के परिवार उन जरूरतमंद लोगों को ये चीज उपलब्ध करा के उनकी दुआ उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। आइए हम बात करते हैं भारद्वाज जी से। नमस्कार भाई साहब, मैं लाल बहादुर भाई 56 से। आपने जैसा बोला कि उन परिवार गरीब परिवार को, गरीब परिवार नहीं, ये मेरा परिवार है, ये मेरे परिवार के लिए मैं कर रहा हूँ, मैं कोई गरीब परिवार के लिए कर रहा हूँ। मेरे छोटे जिन हम जो बालशाला चलाते हैं, वो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए करते हैं, और ये अभी से नहीं कर रहे हैं, हम 15-20 साल से ये काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हर साल। ये रजनी भारद्वाज का जन्मदिन एक बहाना है हमारे परिवार तक को ये कंबल मिल जाए, जो बेचारे बुजुर्ग लोग हैं और ठंड के मारे बहुत कई लोगों को दिक्कत होती है, तो और साल है उनके साथ जो महिलाएं जुड़ी हैं उन लोगों के लिए हमारी ओर से थोड़ा बहुत हम लोग करते हैं। और आपने कोरोना काल की बात करी, तो कोरोना काल में सब ने ही किया है, हमारे साथी और भी लोग थे, हम लोगों ने अच्छा, सब लोगों ने पैसा जोड़ जाड़ के खाना बंटवाया, हर एक मोहल्ले में परेशानी देखी किसकी परेशानी क्या है, रात रात को उनके घर जाके सारी समस्या का हल किया, क्योंकि हमारा परिवार है, हम अपने परिवार के साथ हमेशा ऐसे ही करेंगे। आज देखो रजनी भारद्वाज जी का जन्मदिन है, इसकी पूरी तैयारी है। जो कंबल है, कई लोग बोलते भाई इतना महंगा कंबल क्यों बांटते हो, अरे ओढ़ना तो हमारे परिवार को है, हम किसी गरीब को नहीं दे रहे हैं, हम अपने परिवार को दे रहे हैं, जो हमारा परिवार थोड़ा कम वर्ग मध्यम वर्ग का है उसके बाद जो कंबल नहीं है, इसलिए मैं ये कंबल अच्छे कंबल देता हूँ। मैं कोई ये दिखावा नहीं कर रहा हूँ कि कोई बारीक कम्बल में अच्छे कम्बल, भले मैं 500 नहीं बांटूँ 200 बांटूँ, बल्कि अच्छे कम्बल दूंगा जो उनको ठंड से रोके। और बहुत अच्छी बात है आप हमारे आए, इस बात का हम आपको धन्यवाद भी देते हैं। ये हमारे आकाश भाई हैं, ये भी कोरोना काल में बड़ी मेहनत करी इनने। नमस्कार सर, आप कोरोना काल में लगातार जनहित समाज में कार्य कर रहे हैं, तो आप किस उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं? आज बड़े खुशी का विषय है कि हमारी माँ रजनी भारद्वाज जी भाभी जी का जन्मदिन है, और आज एक ऐसी नेत्री का जन्मदिन है जो गरीबों के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं, जैसे हमारे लाल बहादुर जी उनके पति हैं, उनके द्वारा हमेशा 15 वर्षों से
इसी प्रकार का जन्मदिन मनाया जाता है, जन्मदिन का बहाना रहता है। ये अपनी कमाई के कुछ परसेंट, 5-10% जो भी इनकी कमाई में बचता है, उस पैसों से ये क्षेत्र के रहवासियों के लिए जो यहाँ पर परेशान और जो मध्यम वर्ग के इनके परिवार के लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों की हमेशा इसी प्रकार से मदद करते हैं। और जैसे आपने देखा कम्बल, यहाँ पर कम से कम 500 कम्बल यहाँ पर इनके द्वारा बांटे जाएंगे। ये 600-700 साड़ियाँ यहाँ पर हैं इनके द्वारा, और बुजुर्गों के लिए शॉल लेके आए हैं। और आप देख रहे हैं उसी प्रकार ये तैयारी चल रही है। यहाँ दिखाइए आप, ये फूल हजारों की तादाद में यहाँ पर देखिए आप। आज बड़े ही धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जाता है। और जो क्षेत्र के रहवासी बड़े बुजुर्ग हमारे माताएं बहनें हमारे आते हैं यहाँ पर, उनको इन सब सामग्री से सम्मान किया जाता है उनका। यहाँ की वितरित करना एक अलग चीज़ होती है और सम्मान करना एक अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पर सम्मान किया जाता है, वितरित नहीं किया जाता है, क्योंकि ये अपने क्षेत्र के रहवासियों को अपना परिवार मानते हैं। वास्तव में आपने देखा ये भावना इनकी, पूरे वार्ड, पूरे शहर, पूरे प्रदेश को ये अपना परिवार मानते हैं। काश हमारे देश के जो नेता है वास्तव में ऐसे ही पदचिन्हों पे चले तो हमारा देश विकास की गंगा में कहलाएगा। आज हम बता रहे हैं आपको कि वास्तव में ये कंबल बहुत ही मजबूत और अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत ही कीमती है। ये वास्तव में इसे ही सेवा कहते हैं, ये ना तो ये दिखावा है, ये वास्तव में समाज सेवा है। हम आपको बता रहे हैं साड़ी की क्वालिटी, ये साड़ी के अनगिनत बंडल भी यहाँ पे उपलब्ध है। ये साड़ी की क्वालिटी वास्तव में ये पहनने लायक साड़ी है, ये समाज सेवा इसे कहते हैं। हेडलाइन 24 से संतोष योगी की विशेष खबर।